हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज भैया अपन स्कीमा के बारे में बात करने वाला है। देखो भैया डीबीएमएस का पार्ट चल रहा है और उस पार्ट में भैया अगला अध्याय जो है वो स्कीमा का है कि आखिरकार ये स्कीमा होता क्या है। बड़ा बेसिक सा फंड है, बड़ा बेसिक सी चीज है, एक बड़ा ही बेसिक सा वर्ड है जो कि बार बार लगातार हर बार आपको इस डीबीएमएस सब्जेक्ट में अलग अलग रूप से प्रकट होते रहेगा, आपके सामने आता रहेगा। तो इसलिए इसका पहले मतलब जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये क्या है आखिरकार, व्हाट इज द स्कीमा? तो सिंपल भाषा में बोलूं तो भैया इट्स सिंपली अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटाबेस। आपके डेटाबेस का एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या बोलेंगे उसको स्कीमा बोलेंगे सिंपल भाषा में। लेकिन फिर आपके दिमाग में अगला सवाल यह आएगा कि भैया आखिरकार ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब निकलता है, कि व्हाट डू वी मीन बाय द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटाबेस। तो उसके लिए ये सारे सब पॉइंट्स अपने को समझने पड़ेंगे। मतलब कि आपके डेटाबेस में जो डेटा है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उसका क्या ऑर्गेनाइजेशन है, हाउ इट इज ऑर्गेनाइज, इसका जवाब जो है वो आपको स्कीमा देता है। एंड दैट इज व्हाट द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन इज। बेसिकली एक और रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको अपन बोलते हैं फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। एक और रिप्रेजेंटेशन होता है आपके डेटाबेस का, दैट इज द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, कि उसमें बताया जाता है कि एक्चुअल में आपका जो डेटा है वो किस तरीके से वहां पे स्टोर्ड है। मतलब जैसे फाइल्स के रूप में अपन बोल सकते हैं। सो दैट इज द एक्चुअल थिंग, दैट इज द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटाबेस, ठीक है। लेकिन यहां अपन बात कर रहे हैं लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन की, जिसमें अपने को पता चलता है कि आपका डेटा किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है भाई साहब, साथ ही साथ क्या रिलेशन है। बड़ा इंटरेस्ट रहता है ना अपने को जानने में कि भैया इसका उसके साथ क्या रिलेशन है, ओके? कोई किसी के ऊपर कैसा डिपेंडेंट है, कोई डेटा डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, क्या मामला है, क्या रिलेशन है, क्या एसोसिएशन है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन की जाती है। यहाँ से आपको पता चल जाती है सारे के सारे आपके डेटाबेस से जुड़े हुए कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं इन द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटाबेस, दैट इज नथिंग बट द स्कीमा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, इसके बिना तो भैया आपका स्कीमा अधूरा है, दैट इज द एंटिटीज की मैं बात करूंगा। कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एंटिटीज होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स आपके उस डेटाबेस में हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक और सबसे अगेन एंड अगेन रिपीटेड एंटिटी जो आपको हर एग्जांपल में देखने को मिल जाएगी, दैट इज नथिंग बट अ स्टूडेंट। बहुत ही कॉमन एंटिटी है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट मेरी क्या है, एक एंटिटी है। अब एक और एंटिटी हो सकती है, कॉलेज हो सकता है, कोर्स हो सकता है, बहुत सारी और एंटिटीज हो सकती हैं। अब उनमें क्या रिलेशनशिप है, ये भी आपको यहाँ पे स्कीमा में डिफाइंड देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे भी हर एंटिटी का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके कुछ खासियत जैसे एट्रीब्यूट। जैसे अगर मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, उसकी कौन कौन सी डिटेल्स होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे उसका लेट से आईडी होना चाहिए, लेट से उसका रोल नंबर होना चाहिए, ओके, लेट से उसके परसेंटेज होने चाहिए, जो भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि उस स्टूडेंट से जुड़ी हुई, जो भी उसके एट्रीब्यूट से, जो भी उसके फीचर्स हैं, वो आपको यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर में, उसके स्कीमा में डिफाइंड मिलेंगे। सो दिस इज नथिंग बट अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। और अगर आप फिजिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो उसको मोस्टली अपन ऐसे बनाते हैं, उसको अपन ऐसे बनाते हैं कि यहाँ पे भैया आपका डेटा इस तरीके से स्टोर किया जा रहा है। तो ये आपका हो गया लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, कुछ इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो। टेबल फॉर्म में आप उसको एक तरीके से, रिलेशन फॉर्म में, टेबल फॉर्म में उसको आप एक तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो। और ये आपका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस हो गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट के ऊपर कि भाई साहब आखिरकार इस स्कीमा को डिजाइन कौन करता है। तो वो है आपके डेटाबेस डिजाइनर, वही है जो भैया स्कीमा को डिजाइन करते हैं, ताकि बाकी के जो लोग हैं जैसे प्रोग्रामर्स हो गए वो भी इस चीज को समझ सके, आपके डेटा को और बेटर तरीके से समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, और उस हिसाब से उनका जो कोड है वो कर सके। वन लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द स्कीमा इज दैट कि अब अगर मुझे इस स्कीमा को इंप्लीमेंट करना है तो I can do it by using the SQL, SQL, इसका इस्तेमाल करते हुए, कुछ कमांड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अपन क्रिएट कर सकते हैं, कुछ ड्रॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो वो कमांड्स का इस्तेमाल करते हुए अपन इस स्कीमा को एक तरीके से इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों स्कीमा से रिलेटेड आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, आपको अपने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अगर मिल गया होगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।